हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फोटोशॉप में ये फ्रेम टूल के बारे में कि हम इसका यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो ये मास्किंग के थ्रू हम काम करते हैं इसका। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई पिक्चर ले लेते हैं। जैसे इस तरीके से कोई पिक्चर ली मैंने, तो ये जो फ्रेम टूल्स है ये हमारा लेयर्स पे काम करता है। तो मैंने डबल क्लिक किया, इस बैकग्राउंड को लेयर में कन्वर्ट करता हूँ मैं। जैसे इस तरीके से मैंने इसको लेयर में कन्वर्ट कर दिया। लेयर में कन्वर्ट करने का फ़ायदा क्या है कि इस इमेज को मैं उठा के कहीं पर भी रख सकता हूँ। पहले ये लॉक थी तो मैं इसको उठा नहीं सकता था, मूव नहीं कर सकता था आपका। तो इसमें जब हम रेक्टेंगल पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कितना एरिया एक रेक्टेंगल में अपनी इमेज को लेके आना है तो इस तरीके से मैं लेके आ सकता हूँ। जब आप मूवी टूल पे जाते हैं तो ये इस तरीके से इसके अंदर ही आप इसको इसको हिला सकते हैं। कंट्रोल डी करके इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस तरीके से अगर मैं इसको क्या करता हूँ, इसके बराबर वाला जो ऑप्स रेक्टेंगल है ये सिलेक्ट कर देता हूँ, तो ये आप रेक्टेंगल कहीं पर भी रख सकते हैं इस तरीके से। तो ये था हमारा मास्किंग के थ्रू काम करना। एक तरीका और भी है इसमें, जैसे मैंने इसमें किया इलिप्स, तो जैसे ये इलिप्स है मैंने किया F12, मैं फिर दोबारा डबल क्लिक करता हूँ, मैंने एक रेक्टेंगल लिया, इसको लेयर में कन्वर्ट किया, ये इलिप्स है आपका। अगर मैं एक इलिप्स शो करता हूँ कि मुझे अपनी जो ये इमेज है इलिप्स के अकॉर्डिंग काम करनी है, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो एक मास्किंग के थ्रू आप काम कर सकते हैं इसको। तो एक तरीका तो ये था आपका। और जो दूसरा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ ये मैं आपको आगे भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। तो जैसे मैंने ये इस तरीके से कोई इमेज शो करी, आप करते हैं कंट्रोल ए फुल सिलेक्शन, मैंने किया कंट्रोल सी कॉपी, फाइल में जाके कंट्रोल एन करता हूँ एक न्यू सीट। आप एक नई सीट लेते हैं, तो जैसे आपने कोई भी साइज़ की एक नई सीट ली, जैसे मैंने किया 5-7 का साइज, ओके करता हूँ मैं इसको। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ क्या इलिप्स, जैसे मैंने एक इलिप्स लिया, आप यहाँ क्या करते हैं एक न्यू लेयर लेते हैं, मैंने किया एडिट में जाके फेस इनटू, तो इसका काम होता है सिलेक्शन के अंदर काम करना। तो ये चीज़ हम यहाँ से कर रहे थे, ये चीज़ हम यहाँ से कर रहे हैं। तो अगर आप इसको करते हैं कंट्रोल टी, जैसे मैंने कंट्रोल टी किया, इसका साइज़ मैं जैसे छोटा बड़ा कर सकता हूँ इस तरीके से कि मुझे कितना एरिया दिखाना है उतना एरिया आप दिखा सकते हैं। एंटर करता हूँ तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह का भी कोई आप इफेक्ट शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था रेक्टेंगल के लिए और इलिप्स के लिए। तो ये मैंने इस तरीके से आपको मास्क करके दिखाया। एक तरीका तो ये है आपका मास्क करने का। एक तरीका ये है कि जैसे मैंने यहाँ ऑल बैक स्पेस को कलर फिल किया, आप करते हैं कंट्रोल डी सिलेक्शन हटाते हो, मैंने किया पेस्ट, जो हमारी इमेज थी पेस्ट की मैंने यहाँ। तो हम क्या करते हैं यहाँ जाके, जब आप यहाँ जाएंगे तो हैंड शो कर रहा है आपका, ऑल दबाता हूँ तो ये इस तरह का आइकन दिखा रहा है। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको कीबोर्ड के थ्रू, जब ओल्ड दबा के आप माउस का लेफ्ट क्लिक यहाँ मतलब उस लेयर पे दबाएंगे तो वो इमेज उसके अंदर चली जाएगी। तो जैसे मैंने क्या किया यहाँ जाके, जब यहाँ मैं जाता हूँ हैंड टूल शो कर रहा है, ओल्ड दबा रहे हो तो ये इस तरीके से इफेक्ट शो कर रहा है। मैंने माउस से लेफ्ट क्लिक किया तो वो इमेज इसके अंदर आ गई, मास होके आ गई आपकी। तो इस तरीके से भी आप मास कर सकते हैं। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो मैंने किया माउस से लेफ्ट क्लिक, तो इस तरीके से शेप अलग हो जाएगी आपका। तो इस तरह का कोई भी इफेक्ट आप शो कर सकते हैं जो भी आपको करना है। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।